सलकम भारत चीन का तनाव हर रोज में एक नई नई बात सामने आ रही है दोस्तों एक तरफ इंडिया से ये बात सामने आई है कि मुजाकर में पेशरफ हो रही थी लेकिन चाइनीज आर्मी ने इंडिया के इलाके में घुसकर कर इंडियन आरोप बड़ी तोप के साथ फायरिंग की है जिसमें इंडिया के 20 जवान मौके पर हलाक हो चुके हैं सैकड़ों जख्मी हैं और उनतालीस के करीब जवान चाइना पकड़कर साथ ले गया है और चाइना ऐसी ये बात सामने आई है की वो उन जवानों को भी पहाड़ी ऐसी नीचे गिरा देगा दोस्तों चाइना की तस्वीर बिल्कुल मुख्तलि है चाइना पहले ही से सख्त तरीन मशके टैंक और कोई ना कोई इंडिया के लिए खतरनाक बयान सामने लाता रहा है अब ताज़ा खबर तो ये है की चाइनीज complément जो पाकिस्तान में है उन्होंने इस पूरे मसले को चाइना के कश्मीर के आर्टिकल 370 से जोड़ दिया है आर्टिकल 370 वो आर्टिकल है जिससे कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं था इंडिया ने पिछले ही साल उसे खत्म कर दिया था जबकि इंडियन आर्मी लड़ने से पूरी तरह इंकार करती जा रही है इंडियन आर्मी ऑफिसर जवानों ये कह रहे हैं की मामला अब जल्द ही बगैर किसी जंग के हल किया जाए पाकिस्तान में मौजूद चाइना के डिप्लोमेट ने इस पूरे मामले को आर्टिकल तीन सौ जोड़ दिया है दोस्तों विंग यंग फेन जो की एक ट्विटर और मीडिया के एतबार इस्लाम इस्लामाबाद में प्रेस है उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट करके चीन चीनी खुफिया एजेंसी का एक डॉक्यूमेंट पोस्ट किया वंग ने ट्वीट करके ये कहा कि इंडिया ने कश्मीर के स्पेशल स्टेटस खत्म करके और उसे एक तरफा मामला न कर चाइना और पाकिस्तान की ताकत को ललकारा है और इस तरह से पाकिस्तान भारत और भारत चीन के रिश्तों को मुश्किल में डाल दिया है व्यंग के इस ट्वीट को चाइना की सरकार की बात माना जा रहा है लेकिन चीन और पाकिस्तान से डरा भारत अब ये कह रहा है की ये वंग की अपनी जाति राय हो सकती है इस पूरे तनाव में पहली बार ये हुआ की चीनी डिप्लोमेट ने इस पूरे मामले को कश्मीर से जोड़ दिया है दोस्तों इसमें लद्दाख भी शामिल है डिप्लोमेट ने इसे कश्मीर से जोड़ दिया है क्योंकि लद्दाख कश्मीर का हिस्सा है इसलिए चाइना ने इस पर कब्जा किया लद्दाख पर चाइना का दावा है कि ये उसका इलाका है लद्दाख में जो हालात है उसे लेकर मोदी सरकार बिल्कुल खामोश है जबकि चाइना ने इंडिया में घुस कर उसके बीस फौजी मार डाले सैकड़ों जख्मी कर दिए और अपोजिशन की तरफ ऐसी भी मोदी सरकार पर हमले हो रहे हैं इस दौरान भारतीय आर्मी चीफ ने यह कहा की हालात मुकम्मल कंट्रोल में जा चुके हैं जाहिर है की ये दुनिया का वो वाहद आर्मी चीफ है जो अपना साठ फीसद इलाका चाइना से गवा कर और बीस फौजियों की जाने गवा कर और फौजी लापता करवा कर ये कह रहा है की हालात कंट्रोल में है और अब चाइना की आर्मी आगे ही आगे बढ़ती जा रही है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है दोस्तों जब चाइनीज आर्मी आगे आती है तो इंडियन फौज खुद ही हट जाती है और चाइनीज आर्मी कई हलाके मजीद कब्जे में ले लेती है भारतीय आर्मी चीफ का ये कहना है की हम इंडियन कमांडर लेवल की लगातार मुलाकात चीन के साथ कर रहे हैं लेकिन चीन की तैयारी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो लद्दाख के लिए नहीं आया साथ में वो हिंदुस्तान के और भी हिलाके चाहता है और मुलाका सिर्फ और सिर्फ एक दिखलावा है जिससे इंडिया को कुछ सुकून मिल रहा है दूसरी तरफ नेपाल ने भी इंडिया की फटकार लगाते हुए कई फौजी मार डाले हैं और इंडिया ने मरने वालों को छुपा दिया है और ये दावा किया है कि कुछ आम लोग ही नेपाल की जानब से में मरे हैं इंडिया का आर्मी चीफ जो पहले नेपाल को यह कह रहा था कि हमें पता है कि नेपाल किसके इशारे पर चल रहा है फायरिंग के बाद उसकी अकल भी ठिकाने आ गई है अब इंडियन आर्मी चीफ ये कह रहा है की भारत और नेपाल के बीच रिश्ते हमेशा मजबूत रहेंगे हम सियासत और मजहब ऐसी एक दूसरे ऐसी बंधे हुए हैं नेपाल की जानब से गोली चलने से इंडिया की अकल ठिकाने में आ गई है चीन ने नेपाल के साथ मुकम्मल एतिहाद किया है दोस्तों अब लद्दाख में गोली चल गई है तो यकीन से ये कहा जा सकता है जंग की सूरत में नेपाल से भी जंग होगी छह जून को जब भारतीय और चीनी जनरल लेवल की मुलाकात हुई थी तो भारत इस इलाके में बड़ी उम्मीद से आया था लेकिन मुलाकात के बाद ही कुछ तस्वीरें मंजरेआम पर आ गई जिससे इंडिया की परेशानी में इजाफा हो गया चीन ने इस इलाके में जबरदस्त मशीकी की जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इंडिया पर हमले की तैयारी है लेकिन इंडियन हुकूमत ने इन बात को संजीदा नहीं लिया और सोवार की रात को रात दो बजे चाइना ने इंडिया की फटकार लगाते हुए उसके बीस फौजी मार कर कईयों को पकड़ कर साथ ले और को जख्मी कर दिया दोस्तों पाकिस्तान भी जंग की सूरत में अपना हलाका वापस लेगा और नेपाल भी अपना हक वापस लेगा दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा हमारा पाकिस्तान को इजाजत दीजिए हमारा पाकिस्तान को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा हमें इजाजत दें खुदा हाफिज